आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कौटिल्य एकेडमी भोपाल के संचालक राहुल रंगारे ने नववर्ष के अवसर पर गरीबों को कंबल और कपड़े बांटे। हर साल की तरह इस वर्ष भी राहुल रंगारे ने भोपाल की सड़कों पर गरीबों को कंबल और वस्त्र वितरण किए और साल की शुरुआत की। हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी माधवराव रंगारे वेलफेयर सोसाइटी भोपाल एवं कौटिल्य एकेडमी द्वारा नववर्ष की शुरुआत सुबह फुटपाथ पर ठंड में सो रहे लोगों को कंबल बांटकर। इस मौके पर एकेडमी के संचालक राहुल रंगारे ने सुबह 5 बजे जगह जगह जाकर साथियों के साथ गरीबों को कंबल और कपड़े बांटे। कंबल और कपड़े वितरण का कार्यक्रम भोपाल रेलवे स्टेशन, सुल्तानिया हॉस्पिटल सहित कई जगह किया गया। कंबल वितरण के बाद राहुल रंगारे ने सभी देश और प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि देश में सभी को पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए, साथ ही गरीबों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जी, एक माह से आए थे और बहुत सारी महिलाएं भी थी उनके साथ में। उन्होंने हमको, हम सर्दी से मरते थे, उन्होंने हमको कंबल वितरित किया। तो ये कितने बजे कंबल दिया? लगभग 6:30, 6:45 के बीच में काम हुआ है। जहाँ इस कड़ाके की ठंड में लोग घरों के अंदर होते हैं, वहीं राहुल रंगारे जो कौटिल्य एकेडमी के संचालक है, वो सड़क पे रेलवे स्टेशन पे गरीबों को कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं राहुल रंगारे जी से, क्या कार्यक्रम था उनका, क्या कर रहे थे। हाँ, मैं राहुल रंगारे, डायरेक्टर कौटिल्य एकेडमी भोपाल शाखा छिंदवाड़ा और बालाघाट शाखा। आज हम कौटिल्य एकेडमी के माध्यम से, माधवराव रंगारे वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से, सुबह से 5 बजे से निकल के उन गरीबों को, उन जरूरतमंद को, जिनको आवश्यकता है, जिनको नीड है, ऐसे लोगों को कंबल वितरण के लिए हम लोग निकले हैं। हम नए वर्ष की शुरुआत हर साल ऐसे ही 1 तारीख की शुरुआत हम लोग सुबह से कंबल वितरण करके करते हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है, मेरी पूरी टीम उसमें सहभागिता रहती है। मैं पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ कि वह पूरे सुबह सुबह उठ के आते हैं सभी बच्चे, और सब लोग हम लोग सुबह से ही कंबल बांटने के लिए घर के अपने वस्त्र निकाल के, पुराने वस्त्र जो हमारे यहाँ रहते हैं वो वस्त्र निकाल के लाते हैं और उन गरीबों को, जरूरतमंदों को, उन असहाय लोगों को देते हैं जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। और हमें बड़ी खुशी होती है, विगत कई वर्षों से हम काम करते आए हैं। आपका नाम हमेशा रहा है सोशल कार्यों में काम करने के लिए, लेकिन ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको, इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? हाँ हाँ, ये सब करने के इंस्पिरेशन के पीछे जो है वो मेरे माता पिता रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अम्बेडकर के हम फॉलोअर्स है कि बाबा साहब ने कहा है कि अपने पास जो कुछ है वह लोगों के हित में होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। आपके पास जो कुछ है, अगर आपके पास ज्ञान है तो लोगों में बांटो, आपके पास धन है तो लोगों में बांटो, आपके पास जो कुछ है आप जितना लोगों को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो दे सकते हैं आप देने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारे पास भी आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो कुछ है उसमें से थोड़ा बहुत भी समाज के लिए होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी, तो हम उसी सिद्धांत पे चलते हैं और हमें लगता है कि हम अगर कुछ भी कमा रहे हैं तो उसका एक छोटा सा अंश समाज के हित में देना चाहिए। छिंदवाड़ा में भी आपने बहुत सारे सोशल वर्क किए हुए हैं, कुछ छिंदवाड़ा के जो आपने सोशल वर्क किए उनके बारे में। मैं मेरे सोसाइटी के माध्यम से, माधवराव रंगारे वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से विगत 7-8 साल से छिंदवाड़ा जिले में सौसर तहसील में रिधोरा ग्राम में 220 से अधिक बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे हम लोग 220 से अधिक बच्चे हैं जो निशुल्क मेरे पास पढ़ते हैं। कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं जो वहाँ पे 4 टीचर रखे उनके पढ़ाने के लिए, और विगत कई वर्षों से ये हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि उन बच्चों को, जिनको आज गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तो उन बच्चों को हम लोग प्रयास करते हैं कि उनका स्तर अच्छा हो, वो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने, ऐसे उनको हम लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि कम से कम उनका लेवल बढ़े, उनका परसेंटेज बढ़े, उनका प्रतिशत कई वर्षों से हमने देखा तो बढ़ते आ रहा है। हमारी शिक्षा के माध्यम से, वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो हम उनको शिक्षा दे रहे हैं तो उनके परसेंटेज में, प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है कई बच्चों के, और खुशी होती है
इस साल जो 12वीं में बच्चा आया है वो हमारे वेलफेयर सोसाइटी के में पढ़ने वाला बच्चा जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, मोहित जेठा के नाम से जो 12वीं में डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हो रहे हैं। तो राहुल रंगारे जी का साफ कहना है कि गरीब के बच्चे भी पढ़ें, गरीब के बच्चे भी टॉप करें, उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो कि समाज में नहीं मिल पाती है। यहाँ इस कड़ाके की ठंड में लोग घरों के अंदर है, वही राहुल रंगारे जी सुबह 5 बजे से ही कंबल वितरण कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज़ भोपाल। राहुल रंगारे ने बताया कि भोपाल की तर्ज पर वो छिंदवाड़ा में भी जरूरतमंदों को कपड़े और कंबल वितरण का कार्य करते हैं। बता दें कि राहुल रंगारे माधवराव रंगारे वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और यह सोसाइटी सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है। सोसाइटी के माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षा और सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।